जैसे कि साबुन बनाने के लिए कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं, उसके अंदर मटेरियल्स यूज होते हैं, वो सारी मटेरियल्स को इसमें ऐड करते हैं और उसे अच्छी तरह से मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद वो सीधा का सीधा बाउल में ऐड हो जाता है। आफ्टर दैट ये आगे की प्रोसेस हमें बताएंगे कैसे आगे की प्रोसेस चलती है। तो सर आगे की थोड़ी मशीन बताइए, किस तरीके की मशीन है आपके पास? मिक्सर में से जो मटेरियल मिक्स हुआ वो मटेरियल यहाँ लाया जाता है। ओके, पॉपुलर मशीन है। इस मशीन से डिटर्जेंट का केक तैयार होता है। ओके, तो जो भी मटेरियल होता है वो आप यहाँ पर लाते हैं, उसे ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद मशीन उसे प्रोसेस करती है केक के फॉर्मेट में। अच्छा सर, जो ये मैं जानना चाहूंगा, आपने टेबल पे ये लाइन खींची हुई है, थोड़ा सा मुझे बताइए लाइन क्यों आपने खींची हुई है यहाँ पर? लाइन तो क्या, इसमें से केक निकलेगी यहाँ तक आएगी उसके माप के लिए। ओके, माप के आएगी तो यहाँ से कट जाएगी। ओके, यहाँ से कटा हुआ तो केक है लंबा। ओके, ओके, यानी कि जो भी मटेरियल है वो अच्छी तरह से प्रोसेस होगा और ये डाई के अंदर से आके शेपिंग में वो कन्वर्ट होगा, राइट? हाँ जी। और जैसे वो यहाँ पर आएगा और आपके ये बॉर्डर पे आने के बाद आप यहाँ से उसे कट कर देंगे? यहाँ से कट कर देंगे। ओके, यानी यहाँ से वो चीज कट होंगी जैसे ये बॉर्डर अचीव होगा, राइट? ओके, अब सर इसके बाद की क्या प्रोसेस होती है, वो किस तरीके से होती है? यहाँ से जो केक कटिंग होती है, ये कटिंग टेबल है। ओके, तो ये जो पूरा जो मटेरियल आता है उसे आप यहाँ पर कस्टम साइज, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर वो जो मटेरियल आएगा केक का, आप उसे कस्टम साइज के तौर पे कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है, आप पर्सनली अपने हाथ से भी इसे चेंज कर पाएंगे। तो ठीक है सर जी, ये बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा ये प्रोसेस हमें बताया। अब हमें आप मशीन चालू करके पूरा एक प्रोसेस बताइए कैसे काम करता है, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इस मशीन की पूरी प्रोसेस, ये मशीन कैसे चलती है, कैसे मिक्सिंग होता है, कैसे मटेरियल बनता है और कैसे सारी चीज़ें कटिंग होकर आगे जाती है। तो दोस्तों अभी हम एक पूरा एक प्रोसेस लेंगे कैसे ये प्रोसेस काम करता है, सो आपको एक परफेक्ट आइडिया है। तो दोस्तों थोड़ा सा नज़दीक से दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए मशीन के अंदर जो मिक्सिंग मटेरियल है किस तरीके से ऐड किया जाता है। जैसे मशीन चालू करते हैं उसके बाद आपको मटेरियल इस तरीके से ऐड कर देना है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब भी आप ये मटेरियल ऐड करते हैं आपके फॉर्मूलाज जो भी आप बना रहे हैं वो अच्छी तरह से प्रॉपरली होने चाहिए, तभी जाके आप अच्छा केक बना पाएंगे। तो दोस्तों अभी ये प्रोसेसिंग चालू है, मिक्सिंग प्रोसेसिंग चालू है, इसमें थोड़ा सा पानी लगाना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सिंग हो रहा है, और आप देख पाएंगे वन बाय वन पूरा जो मटेरियल है वो अच्छी तरह से मिक्सिंग होके यहाँ पर रेडी हो रहा है। तो दोस्तों डिटर्जेंट केक बनाने का सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो मिक्सिंग मशीन से स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपको मटेरियल ऐड करना है और उसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पर सारा जो मटेरियल लगता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, और अच्छी क्वालिटी में मिक्सिंग हो जाती है, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो दोस्तों जो पहली प्रोसेस है आपको क्या करना है, डिटर्जेंट केक बनाने के लिए सबसे पहले जो आपका मटेरियल है उसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्सिंग करना है। और मिक्सिंग हो जाने के बाद हम लोग सेकेंड प्रोसेस भी देखेंगे कैसे ये केक बनाती है मशीन। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए किस तरीके से यहाँ पर मटेरियल निकाला जाता है जो मिक्सिंग हो जाता है, और उसे निकालने के बाद कैसे प्रोसेस होती है वो भी चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिक्सिंग मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली बाउल में गिरता जा रहा है। इस तरीके से सबसे पहले आपको मिक्सिंग कर लेना है, मिक्सिंग करने के बाद आपका मटेरियल इस तरीके से बाउल में ऐड कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मटेरियल है वो अभी मिक्स हो चुका है, और अब हम आगे की प्रोसेस देखने जाएंगे किस तरीके से डिटर्जेंट का जो केक है वो बनाया जाता है।
दोस्तों ये बहुत ही सीक्रेट चीज है जो जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे YouTube पे आपने नहीं देखा होगा अभी तक किस तरीके से डिटर्जेंट केक बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं सेकंड प्रोसेस में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन बाय वन पूरा जो मटेरियल है उसे हम ऐड कर रहे हैं, ताकि दोस्तों आपको एक परफेक्ट आइडिया है आपको क्या करना है। मटेरियल इस तरीके से वन बाय वन ऐड करते जाना है, और दोस्तों जैसे आप मटेरियल ऐड करते जाएंगे तो आपका मटेरियल इस तरीके से जो केक की फॉर्मेट में आप देख पाएंगे, जो ये यहाँ पर डाई लगी हुई है, ये डाई में उस केक के फॉर्मेट में मटेरियल निकलता जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही हाई क्वालिटी में यहाँ पर डिटर्जेंट केक बनता हुआ निकल रहा है।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोस आप देख सकें। और अगर किसी प्रकार को कोई दूसरा क्वेरी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प कर सके और साथ ही साथ में आपको गाइडलाइन दे सके। और अगर आप ये मशीन बाय करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, टीम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगी और साथ ही साथ में आपको पूरा गाइडलाइन भी देगी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सके। और अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें बताइए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर देखते हैं कुछ नई मशीन के बारे में।